देशर आवश्यकता पूरण पर वैक्सीन रप्तानी हो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सूचना देखते सहित स्वास्थ्य मंत्री कहते केन्द्र सरकार वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम अधीन आसंता अक्टोबर मस पर देशर आवश्यकता पूर्ण पर पड़ोशी देश को रप्तानी हो स्वास्थ्य मंत्री कहते अक्टोबर मसने देश को कोरोना वैक्सीन 30 कोटी डोज मिलवाक जाऊँ आगामी 3 मसने 100 कोटी अधिक डोज मिल आम वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को आग को बढ़ाबू ए कार्यक्रम मध्यम आम विश्व को साहाज्य करिवो या सहित देश में वर्तमान सुधा 81 कोटी टीकाकरण होता स्वास्थ्य मंत्री सूचना देखते शेष 10 कोटी टीकाकरण को मात्र 11 दिन समय लगी से सूचना देखते। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, देश में पहली बार वैक्सीन का प्रोडक्शन या तो वैक्सीन का डोमेस्टिक रिसर्च ये दुनिया के साथ हुआ। पहले ये हुआ करता था, दुनिया में वैक्सीन आती थी उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद इंडिया में आती थी। इस बार प्रधानमंत्री जी के समय सार लिए हुए एफर्ट के अनुसार देश में समय पर वैक्सीन कोविड वैक्सीन के लिए रिसर्च हुआ और दुनिया के साथ वैक्सीन आ गई। लगातार वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए प्रयास किया गया और उसका परिणाम ये आया कि ये महीने में मतलब सितंबर महीने में भारत सरकार को भारतीय कंपनियों ने बनाई हुई 26 करोड़ डोज मिलेगी और वैक्सीनेशन भी लगातार बढ़ रहा है।